बारे में बताने, उसके फील्ड में कपड़ों के फील्ड में नए हैं। सम्राट जी हेलो सर, इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, आप मतलब लॉस इसमें जाने वाला ही नहीं है। दोस्तों अभी जो आपने वीडियो देखा वो है साड़ी के सूरत के एक मील का। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे अनोखे वीडियो के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे अमेजिंग वीडियो के बारे में बताने वाले हैं जो अभी तक आपने YouTube पे नहीं देखा है। अगर आप इस फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, कपड़ों के फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे विजिट करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये एक एम्ब्रॉयडरी मशीन है। तो यहाँ पर जो है नीचे साड़ियों का मिल लगा हुआ है जहाँ पे साड़ी जो है तैयार किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं हम यहाँ पे आपको अपनी तरीके से। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं जो हूँ चौथे फ्लोर पे खड़ा हूँ और ये नीचे का लोकेशन है। नीचे जो है साड़ी की फैक्ट्री है, लेकिन नीचे मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैब्रिक जो है वो रखे गए हैं। अगर हम इस तरफ बढ़े तो देखिए यहाँ पे ये सब जो है लहंगे के फैब्रिक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो तैयार किया गया लहंगा है जिसमें एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन जो है वो चलाया गया है। ये कपड़ा लग रहा है, कपड़ा लग रहा है, कपड़ा को फिक्स किया जा रहा है, उसके बाद डिज़ाइन चलाया जाएगा। और भैया फैक्ट्री के ऑनर किधर बैठते हैं? ऑफिस में। ऑफिस में नाम क्या है उनका? सम्राट। यहाँ पे सर मिस्टर सम्राट जी कौन है? मिस्टर सम्राट जी। हेलो सर। नमस्ते भैया। माय नेम इज मोनू फ्रॉम यूट्यूब इंडिया। राइट। नीचे सबसे नीचे जो हमने विजिट किया वो साड़ी का मेल था, साड़ी जहाँ पे एक एक धागा जुड़ के जो है तैयार होता है। उसके बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर पे जो है एम्ब्रॉयडरी का काम होता है। तो ये सब हमने जो है लगभग देख लिया। तो ये फैक्ट्री आपकी है सर? हम जो है अपने चैनल पे बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग जो होते हैं गांव घर बाहर से आते हैं एक छोटा सा सपना लेके कि हमें नौकरी नहीं करनी, हमें बिजनेस करना है। उसमें थोड़ा सा जानकारी चाहिए, वो एक बेस्ट शॉप, बेस्ट दुकान, बेस्ट फैक्ट्री ढूंढते हैं कि जहाँ से वो परचेज कर सके, जानकारी ले सके, परचेज ना करे उन्हें एक नॉलेज मिल जाए और वो अपना गांव घर शहर में जो है शॉप बिजनेस शुरू कर सके। देखिए इसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो कम से कम एक से डेढ़ घंटा निकलेगा। शॉर्ट में सर, शॉर्ट में बात समझिए। और दूसरी बात, अगर आप आए हो तो आपके द्वारा मैं एक कस्टमर को एक सलाह देना चाहता हूँ। कपड़ा बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आप इसमें अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे ना तो लॉस का कोई संभव नहीं है, मतलब लॉस इसमें जाने वाला ही नहीं है। जैसे वो सोच रहा है कि भाई मेरे को कपड़े का बिजनेस चालू करना चाहिए या नहीं चाहिए या क्या करूँ। अभी कई आप कई शहरों में देखो, उनके पास जगह है, पैसा है, लेकिन चालू करना है, लेकिन उसके पास आइडिया नहीं उनके पास कि मैं चालू किस तरह से करूँ, कहाँ से करूँ। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है राय। आपके पास अगर गाइडलाइन नहीं है, आपके पास पूरा एक मैनेजमेंट नहीं है तो आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। यहाँ इस पूरे फ्लोर पे मैंने देखा कि साड़ी और लहंगे तैयार किए जाते हैं। हाँ जी। तो आपका सिर्फ साड़ी लहंगे में ही डील है या अदर कुछ और भी है? कुर्तीज है, ड्रेस मटेरियल है, लेकिन वो बाजू के इसमें है, बाजू के फ्लोर पे। एक फ्लोर पे मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ, इसके बाद अगर वहाँ चलना है तो वहाँ जाएंगे बराबर। तो जैसे मैं आपको बताना यही चाहता हूँ, अगर कस्टमर को चालू करना है बिजनेस तो सबसे पहले उनके पास होना चाहिए एक आइडिया। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी कस्टमर, उसको जरूरी नहीं कि मेरे दुकान पे या मेरे फैक्ट्री पे आके परचेस करना है, परचेस नहीं करना है, ओनली मेरे से आइडिया लेनी है। आइडिया किसी दुकान में मिलता नहीं है जो खरीद ले?
मैं उनको फ्री में आइडिया दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, और चाय कॉफी मेरे तरफ से फ्री फ्री है। बात समझिए, यानी क्यों, यानी अगर एक बंदा भी अगर उसमें सक्सेस होता है ना, तो लाइफ टाइम मेरे को याद करेगा, याद करेगा सम्राट भाई ने यार मुझे ये गाइडलाइन दी थी, आज मैं इस स्टेप पे हूँ। सर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एक बिजनेसमैन अगर कोई घर में हो जाता है ना, तो सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, आने वाला जनरेशन भी सुधर जाता है। लेकिन अगर कोई नौकरी करने वाला बंदा बेशक जो है वो हेल्पर से एक मैनेजर बन जाए, लेकिन उसके बेटे को जो है फिर से हेल्पर ही का नौकरी ही करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं 12 साल पहले अगर पीछे की बात करूँ, तो मैं भी सर्विस करता था, ठीक है, कुछ एक बड़े भाई साहब है, मतलब मैं उनको भगवान का दूसरा रूप बोलता हूँ, उन्होंने मेरे को आइडिया दिया था, उन्होंने सलाह दी थी, तो आज मैं यहाँ पे ये स्टेप पे पहुँचा हूँ। तो वही थिंकिंग मेरे को आई कि मैं उनकी लाइफ, उनको अखी लाइफ याद करता हूँ, तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ यार मेरे को भी कोई कस्टमर अखी लाइफ याद करे कि यार हाँ यार सम्राट भाई ने मेरे को नया चालू करना था, फुल कोऑपरेट किया था। बस मेरी ये थिंकिंग है, मेरा बिजनेस से कोई थिंकिंग नहीं है, माल लो या नहीं लो, लेकिन मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि आप आइए यहाँ पे विजिट कीजिए, आपको जो भी राय चाहिए वो 100% श्योर मैं दूंगा। एक बात और बोलना चाहता हूँ कस्टमर को, कभी भी आप सूरत आइए तो यहाँ पे क्या सूरत में बहुत सारी रिटेलर शॉप भी है, बहुत से है, मैं मार्केट के अगर नाम बताऊंगा तो बहुत कम है, जैसे यहाँ से ले जाके वो बेचते हैं, ठीक है, फिर कस्टमर उनसे ले जाते हैं, यानी प्रॉफिट वो डबल हो जाता है, तो कस्टमर का सेल नहीं हो पाता है, सेल नहीं हो पाता सही रेट में, सेल नहीं हो पाता है। तो आप कहीं से भी खरीदे, जिसकी ऑन मैन्युफैक्चर है, जिसकी फैक्ट्री, वहां से खरीदिए, ऐसा नहीं कि मेरे से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए, लेकिन आप देखिए जेन्युइन बंदे से, हाँ जेन्युइन बंदे से, क्योंकि एक बार आप विजिट करने यहाँ आओगे दोबारा बार बार नहीं आओगे, बार बार नहीं आओगे, बिल्कुल। आपको दो चीज का ख्याल रखना, एक तो जेन्युइन बंदा होना चाहिए और रेट भी अच्छे होने चाहिए। तो हमें ना सर यहाँ पे ना कुछ आप अपने सैंपल भी दिखा दे, यही दिखा सकते हैं आप, यहाँ अवेलेबल है सारे सैंपल? देखो यहाँ पे अवेलेबल में ऐसा है कि यहाँ पे मैं शॉर्ट खाली एक आपको नजर मरवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा, क्योंकि इतने सैंपल्स है उसके लिए आपको शॉप पे आना पड़ेगा, उसके बाद अगर अपने शॉप पे चलते हैं, ये देखिए, ये खाली आपको एक झलक दिखवा रहा हूँ, ये सारे लहंगे के अलग अलग है। अच्छा लहंगे के हैं ये सब? हाँ, ये देखिए, फिर इस तरह से पैक होके, ये देखिए इस तरह से पैक होके, ये जैसे मैंने आपको बोला ना रिटेलर शॉप में जाते हैं, अलग अलग शॉप पे, अलग अलग शॉप पे, वहां से वो कस्टमर को बेचते हैं। अगर डायरेक्ट अगर उन्होंने मेरे से ही परचेस किया ना, उसका बेनिफिट वो ज्यादा उठा पाएंगे। ये देखिए इस तरह से लहंगे हैं, बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे। अच्छा सर बात करें आपके शॉप पे जो लहंगे लगभग कितने रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं? देखो मेरे पास से 250 से स्टार्ट होंगे, 250 से स्टार्ट हो जाते हैं, 250 से लहंगे स्टार्ट होंगे। और साड़ी की बात करें तो साड़ीज मेरे पास प्रिंट साड़ीज अगर लोगे तो 65 रुपीज से, 65 रुपए से स्टार्ट है। और कुर्ती सर 45 रुपीज से, 45। और आपने बताया ड्रेस मटेरियल, ड्रेस मटेरियल भी 105 से स्टार्ट, 105 से, उससे सस्ता वाला भी, लेकिन वो मतलब नहीं है, मतलब नहीं, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तो हमें ना सर शॉप पे लेके चले, थोड़ा सा वहाँ पे हम देखना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ओके।
जगह से अपना फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री के बाद ये आदर्श टू मार्केट है मेरा। बिल्कुल आदर्श टू मार्केट के बाद ये मेरे सबूरी फैशन है। सबूरी फैशन आपका? हाँ, सबूरी फैशन मेरा है और यहाँ पे ये रिंग रोड बोला जाता है, रिंग रोड मार्केट। हाँ, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया है, अगर वो नंबर नहीं लगता है तो आप डायरेक्ट शॉप पे आइए, सबूरी फैशन पे आ सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट आइए और मेरे से मिलिए, मैं यहाँ पे हूँगा या तो फैक्ट्री पे हूँगा, लेके चलता हूँ शॉप पे। ये देखिए, अब जैसे मेरे पार्सल है, ये पार्सल आ जाए, ये पार्सल अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, बराबर ये पैक होके जा रहे हैं। अब जैसे ये देखिए, ये साइज हो गया मेरा, पैक होके जा रहा है, ये सब आप ही का है? हाँ जी, ये साइज हो गया, ये लहंगा हो गया, ये प्रिंटेड साइज हो गई, प्रिंट पे लेस हो गई, ये अलग अलग सारा कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा मैं। जैसे ये प्रिंट साइज, ये प्रिंट साइज का अगर मैं बात करूँ तो जैसे ये मिल से आती है, मिल से आने के बाद क्या होता है, कई जगह ऐसा होता है वहाँ पे उसको चेकिंग नहीं होती, लेकिन मेरे यहाँ चेक होता है और चेक होने के बाद इस तरह से बैग बनता है और बैग में आती है। ये कितने पीस होते हैं एक बैग में? ये 12 पीस का एक बैग होता है। 12 पीस का होता है? हाँ जी। गिनती बराबर होता है? 100% बॉस, गिनती के लिए आप बेफिक्र रहिए। अभी आपको जैसे मैंने दिखाया पार्सल है, बिल्कुल, उसके बाद मैं आपको मेरा कलेक्शन दिखा देता हूँ। ये शॉप का एंट्री प्रवेश है? हाँ, ये एंट्री पे आए। अब जैसे यहाँ पे नीचे ऊपर बहुत सारा कलेक्शन है, ये जो नीचे का फ्लोर है ये आप ही का है? हाँ जी, नीचे ऊपर और ये बाजू में भी बहुत से यहाँ पे मेरे फ्लोर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ का एक नजारा दिखाता हूँ। आइए, जैसे आप इस साइड से अपने चलेंगे, ये देखिए यहाँ पे वर्क साइज हो गई है। समाधान आ जा बेटा, समाधान, ये सेल्समैन है। ओके, हेलो भैया। ये पूरा हैंडलिंग करता है यहाँ पे, और जैसे इस तरह से कलेक्शन है, ये देखिए कलेक्शन है। अच्छा, साड़ी सर आपने बताया था कितने से स्टार्ट है आपकी शॉप? देखो, साड़ीज मेरे पास ये वर्क वाली साड़ीज है, वर्क वाली साड़ीज मेरे पास 150 से स्टार्ट है। नहीं, मिनिमम की बात करें, प्रिंटेड जो है वो? प्रिंटेड वो नीचे आपको मैं बताऊंगा 65 रुपीज से। 65 रुपए? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। इस तरह से साड़ी है? हाँ जी, मतलब कॉन्सेप्ट में आपको एक खाली झलक दिखवा रहा हूँ, बाकी तो कॉन्सेप्ट मेरे पास अलग अलग बहुत से मिल जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ ना, कॉन्सेप्ट मेरे पास इतने हैं, कॉन्सेप्ट का भंडारा। ये देखिए भंडारा है, ये देखिए बिल्कुल अनगिनत सैंपल है बॉस, अनगिनत सैंपल है। ये नॉर्मल रेंज के हैं जो 150-200 ये सब इस रेंज में? हालांकि महंगे कितने तक होता होगा? महंगा मेरे पास अगर साड़ीज में अगर लेना चाहूँ ना तो भी 3,000-3,500-4,000 तक के कलेक्शन, 4,000 तक के कलेक्शन मिल जाएगा। रिटेल में मेरे ख्याल से वो 7-8,000 में सेल होते, डबल का आराम से आप दे सकते हो, डबल का 110%। ये देखो, जैसे ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉस्टली होगा। ये देखिए सारा कलेक्शन, कलेक्शन तो मेरे पास एक से एक आपको मिल जाएगा, जो है हैंडवर्क है। हाँ जी, हाँ जी, चीज कैसे है बॉस? है, अब वो है। अब ये प्राइस इसका क्या होगा लगभग? इसका प्राइस तो ऐसा है कि एक मैं एवरेज बता देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि ये जो साड़ी है ना ये फैंसी पार्टी वेयर है, किसी के साथ सीमा में आराम से, आराम से, आराम से। ये देखो, इसमें हैंडवर्क भी नीचे काफी ज्यादा पूरा 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 डिजाइन है, पूरा ये सब डिजाइन जो है इसमें, ये कसब जरी लगे हुए, कसब जरी के बाद डायमंड है, डायमंड के पास पूरी डायमंड बॉर्डर दी गई है। ये देखिए बहुत खूबसूरत बॉर्डर है। इस टाइप की साड़ियाँ जो है लगभग कितने से शुरू हो जाती हैं? बहुत सब मेरे ये टाइप से समझ लो 350 से स्टार्ट है ये सारे कॉन्सेप्ट। हाँ, फिर आगे चलेंगे तो अपना लहंगा डिपार्टमेंट है, ये बराबर। हाँ, आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा के पूरा यहाँ पे खजाना है, इस तरफ बहुत सारे लहंगे रखे हुए। ये सैंपल है, स्टॉक भी कहीं रखते हैं? हाँ, स्टॉक है ना बॉस, पीछे मेरा गोडाउन है। ये देखे, ये 250 का है। हाँ, ओके, देख सकते हैं 250 से लहंगे स्टार्ट है, दुपट्टा भी है। हाँ, ब्लाउज भी है क्या? ब्लाउज, दुपट्टा, तीनों चीज आती है। ओके, ब्लाउज भी है? हाँ जी, हाँ जी, एम्ब्रॉयडरी का। ये लगभग 17-18 साल के गर्ल्स के होंगे? ये तो कोई भी है, मतलब पहन सकता है, सब है। हाँ, बड़े आ जाइए। अभी वीआईपी कलेक्शन की बात करें तो ये सब जो है लेंगो में भी, मैंने आपको फैक्ट्री भी दिखाई ना, कलेक्शन मेरे पास इतना है बॉस, जबरदस्त है ये। मैं आपको एक से एक लहंगा दूं बॉस, लहंगा की मेरे पास आप सेल्स मैन है, कितने सौ जाता होगा लहंगे में? शुरू लहंगे में मेरे पास ऐसे तो 210 रुपए से शुरुआत है। नहीं नहीं नहीं, दुल्हन लहंगे में? दुल्हन अपने पास मतलब 2,000 रुपए से मिलेगा सर। 2,000 पीस आएगा, एकदम सच बोल रहे। ये देखो, जैसे ये नेट में हो गया, इसको खोलो, है जो की शादी में पहनने लायक है, किसी के शादी फंक्शन लहंगे हो गए। वाओ, ये देखिए इसका घेर देखिए, ये देखिए, ये ऊपर जो है पूरा नेट है और नीचे ये अस्तर है। अच्छा, इसके नीचे वो भी होगा फर, कैन आएगा, कैन आएगा, कैन आएगा, इससे घेर आएगा।
ये देखिए, ये देखो ये ब्राइडल लहंगा जो आपको, ब्राइडल लहंगा वाला जो है काफी हैवी वर्क है, इस पे काफी प्यारा पीस भी है। ये देखो इसका ब्लाउज, इसमें अपना ब्लाउज आ गया और दुपट्टा आ गया, ये दुपट्टा वर्क वाला है। बॉस कॉन्सेप्ट मेरे पास इतने हैं ना कि अनपॉसिबल है इतना दिखाना, दिखा पाना बिल्कुल 100%, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने हैं सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये देखिए, ये लो, ये देखो, ये हैंड वर्क, ये हाँ हैंड वर्क है, हैंड वर्क में भी बहुत सारे कलेक्शन है। वाह बराबर। और अपने आगे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे एक बार जूम करें ठीक है, देख सकते हैं कलेक्शन वर्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत बहुत, इसकी पूरी बॉर्डर देखें, ये सब जो है हैंड वर्क है, ये हैंड वर्क जो है एक अलग ही डिपार्टमेंट में, हैंड वर्क कहीं और मिलेगा, सिल्क की साड़ी कहीं और मिलेगा, प्रिंट साड़ी कहीं और मिलेगा, मतलब एक एक आइटम के लिए एक एक पूरा जगह है सेपरेट। जैसे कि हम यहाँ ये बनारसी और ये सिल्क है, ये सिल्क है, सिल्क है, ये सिल्क, सिल्क साड़ी है बिल्कुल। हाँ सिल्क में भी पैटर्न बहुत है, बस बहुत पैटर्न है, दिख रहा है, बहुत पैटर्न है। सिल्क में हमें स्टार्टिंग की प्राइस करेंगे बात तो लगभग कितने से शुरू हो जाता है सर? सिल्क में अभी मेरे पास रेडी है, समझ लो ना 390 से रेडी है, 390 से देख सकते हैं। काफी सुंदर सुंदर सिल्क, बहुत 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 बढ़िया, ये देखिए बिल्कुल खोलने की जरूरत नहीं है, सिल्क जो है ना डिजाइन मेरे पास एक से एक है। यहाँ पे एक बार जूम करें, यहाँ देखिए, मतलब एक गजब लग रहा है दिखने में, जो है इतना अट्रैक्टिव पीस है ये, देखिए कि देख के एक बार में कोई भी इसे आराम से पसंद कर सकता है। डिजाइन आप जितना बोलोगे, सिल्क साड़ी घर में काफी ज्यादा पसंद करती है, और पर्व त्योहार हो तो उसमें भी ये जो है डिमांडेड होता है, ये ना शौक के जो लोग होते हैं, शौकीन होते हैं वो पहनते हैं। ये देखिए ये बनारसी है, बनारस, वाह बनारसी, मतलब बनारसी सिर्फ नाम से ही बिकता है, नाम से बनारसी में बताने की जरूरत नहीं, एकदम अजूबा अजूबा पीस है यहाँ पे। मतलब इन सब पीस के बारे में मैं जितना बोलूं ना कम है। और बॉस मेरे पास स्टार्टिंग की बात करें, इसमें सर कितने से स्टार्ट होगा? ये मुझे काफी हैवी लग रहा है, ये मेरे पास समझ लो ना, ये स्टार्टिंग रेंज अभी क्या है अपने पास? ₹1100 से स्टार्टिंग रेंज है, बनारसी में। हाँ इसमें ₹1100 से स्टार्ट है, मतलब इसमें इसे इतना प्यारा तरीके से रखा गया है कि एक दूसरे से। मैं कस्टमर को ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको नया शॉप चालू करना है तो 100 दुकान में आपको जाने की जरूरत नहीं है भैया, एक बार इसे खोलें इधर, बस एक ही इसमें आपका काम हो जाएगा। गजब लग रहा है, मतलब कलेक्शन बहुत है। हाँ इसके बाद अपने नीचे चलते हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग रखा गया है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ और भी नया कुछ कलेक्शन बराबर। जैसे ये देखिए, ये होते प्रिंट साड़ीज, प्रिंटेड साड़ी जो आप बोल रहे थे ना प्रिंट साड़ीज का, तो ये प्रिंट साड़ीज का मेरे पास है 65 से जो शुरू है, ये 65 वाली है बॉस मेरे जो हाथ में है, ये 65। ओके 65 में जो है अलग अलग यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है वो मिल जाता है प्रिंट, प्रिंट 65, 85, 95, 10, 150, 250, ये समझ लो प्रिंट का मेरे पास भंडार है। ये देखिए भंडार, ये देखिए ये खाली जो सैंपल दिखा है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सैंपल है, ये खाली सैंपल्स है, और सैंपल्स में भी आप क्रिएशन देखो ना एक से एक कॉन्सेप्ट। ये संजू है, यहाँ का सेल्समैन है। ओ हेलो भैया, शुभ नाम संजू, ओके बराबर, ये समझ लो ये डिपार्टमेंट यही संभालता है। ओके अगर ये देखिए कलेक्शन प्रिंटेड साड़ी, हाँ जैसे लेस हो गई अलग अलग प्रिंट की, मेरे पास कॉन्सेप्ट में आपको बोला ना गुरुदेव कॉन्सेप्ट बहुत है। अब जैसे ये देखिए, ये चीज ये पकड़िए आप, ये देखिए कुछ प्रिंट में कुछ अलग से एक लेस हो गई, बिल्कुल। कोई फर्स्ट टाइम विजिट करता है यहाँ पे तो उन्हें कुछ सैंपल दिखाने होते हैं, तो उसके लिए कहाँ उन्हें बैठाते हैं? देखिए सबसे पहले क्या होता है, मेरा डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे होता है, जैसे कुर्तीज का अलग डिपार्टमेंट है, ड्रेस का अलग है, लहंगा का अलग है, प्रिंट साड़ीज का अलग है, तो सारा अलग अलग पहले कस्टमर को पूछ लिया जाता है आपको क्या परचेस करना है, तो डिपार्टमेंट वाइज उसको बिठाया जाता है। हाँ जी, जैसे कोई प्रिंट साड़ी के लेने के लिए आते हैं तो देखिए, एक तो यहाँ पे मुझे खास बात लगा, यहाँ देखिए एक आदमी के लिए जो है स्पेशल पूरा इतना जगह बनाया गया है, अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग जगह, एक साथ जो है 4-5 कस्टमर यहाँ
कम से कम की बात करूं तो अटेंड आराम से किया जा सकता है यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास बहुत इतना जगह है ना, बाजू में भी और मेरा शॉप है, यहाँ पे एनी टाइम 30 कस्टमर वन बार बैठ सकते, इतनी जगह मेरे पास 30 कस्टमर वन टाइम बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो यहाँ पे सैंपल है प्रिंटेड साड़ी के। आपने जैसा कि बताया कि हमें ड्रेस मटेरियल है, कुर्ती है, वो भी दिखा दे थोड़ा, वो भी एक बार राउंड मार लेते हैं। पूरा का पूरा जो है यहाँ पे एकदम सजाया गया है इस तरीके से, और देखिए यहाँ पे ना इस तरीके से लग रहा है पूरा हमें अंदर जा रहे हैं। देखिए एक अलग ही रूम में हम आ चुके हैं, ये देख यहाँ पे ये मेरा कुर्तीज और ड्रेस मटेरियल सैंपलिंग गोडाउन है। सैंपलिंग गोडाउन हाँ, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कुर्तीज मिलेंगे, कुर्तीज और ड्रेस मटेरियल। ओके आ जाइए प्रवीण भाई, और ये प्रवीण भाई है, प्रवीण जोशी। हेलो सर। हेलो। कुर्तीज और ड्रेस का डिपार्टमेंट यही संभालते हैं। हाँ जी। तो सर आपके पास जो स्टार्टिंग है प्राइस वो क्या है ड्रेस मटेरियल में? 65 रुपीज। ड्रेस मटेरियल में जी हाँ 65 से स्टार्ट है जी। गजब है। ठीक है, प्रिंटेड होंगे? नहीं, वर्क वाले भी आएंगे, प्रिंटेड में भी है। ओके देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है इस तरीके से जैसे जैसे रेंज बढ़ेगा उस हिसाब से जो है क्वालिटी हाँ, बढ़ता चला जाएगा। कॉन्सेप्ट तो बहुत है, एक बार देखिए काफी खूबसूरत जो है ये सब, ये देखिए ड्रेस मटेरियल है, सब अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखाए जाएंगे आपको। ठीक है, ये क्या कस्टमर जब यहाँ पे विजिट करने आएंगे ना तो उनको इतना कलेक्शन मिल जाएगा कि मजा आ जाएगा उनको, मजा आ जाएगा 100%। ये देखिए ये कलेक्शन, ये देखिए ये दिखाओ ब्लू वाला मुझे। ठीक है यहाँ पे देख लो, काफी खूबसूरत सा डिजाइन है ये सबका। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए ना इतने जितने आप नीचे देख रहे हैं, एक बार भैया हटना थोड़ा सा साइड में, ये सब जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये सब जो है सैंपल है, तौर पे सिर्फ सैंपल ही है इतने ज्यादा, और भी इसके अलावा और भी है, इसके अलावा और भी है, बाजू में गोडाउन है ओके, उसके अंदर और भी मेरे पास है सैंपल है बहुत सा, इसमें कैटलॉग आइटम है बहुत सारा और भी मेरे पास, ये देखिए ये सब रखे गए, ये कैटलॉग आइटम है, ये कैटलॉग आइटम है हाँ। जैसा कि हम एक बार कैटलॉग पे नजर डालते हैं। हाँ जी, ये ड्रेस मटेरियल के हैं। हाँ जी हाँ जी, वाह काफी खूबसूरत है, इतने सारे कैटलॉग है सर, पूरी सारे अवेलेबल है, सारे अवेलेबल है पूरी के पूरी। उसके बाद ये इस तरह से और कलेक्शन कुछ फैंसी में चाहिए तो इस तरह से फैंसी में कलेक्शन भी मिल जाएगा, कलेक्शन ये बिल्कुल फैंसी पार्टी वियर है। हाँ जी, ये कोई भी कस्टमर को अगर परचेस है तो मैंने एक आइडिया के स्वरूप में दिखाया बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं सारा कलेक्शन एक में ही दिखाऊं तो वो अनपॉसिबल है, अनपॉसिबल है। ठीक, मैंने पहले फैक्ट्री दिखाई, फैक्ट्री के बाद शॉप में आपको विजिट करवाया, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट का मैंने एक सर्वे किया। ठीक है, अभी सर बाकी है कुर्ती का, कुर्तीज का भी एक बार ले लेते हैं। चलिए ठीक है, ये देखिए ये मेरा सैंपलिंग रखे गए हुए कुर्तीज में भी, ये क्या कुर्ती का सैंपल? हाँ जी, ये देखिए ये सब, ये देखिए बैठ जाते आराम से। ये देखिए कुर्ती में कितने से स्टार्ट हो जाता है सर? कुर्तीज में मेरे पास 45 से स्टार्ट है, 45 रुपीज से स्टार्ट है। ये देखिए क्या बात है, कुर्तीज में भी बहुत सारे अलग अलग कलेक्शन है और फैंसी का एक लाओ बेटा, ये सब डेली यूज वाले हैं। हाँ ये कंटिन्यू डेली यूज वाले डिजाइनर सब बहुत ज्यादा कलेक्शन है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। ये तो एक कलेक्शन का नमूना है, इसमें लाओ ना, देखिए यहाँ देखिए ये जो है ना इस तरीके से पूरा के पूरा जो था के दिन भर कस्टमर को दिखाते होंगे, ये देखिए पूरा कलेक्शन है, ये देखो एक से एक कलेक्शन मिलेगा। और वहाँ पे थोड़ा सा नजर दौड़ा तो इस तरीके से पूरा के पूरा जो है बंच लगाया गया। लाओ एक थप्पी लाओ फैंसी की, दो मिनट इधर रखो, ये देखिए ये बहुत ज्यादा है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मतलब खुद आश्चर्यचकित हूँ कि एक शॉप जो है इतना मेंटेन कैसे करता होगा। बॉस कलेक्शन मैं बड़ी बात तो नहीं करता हूँ, कस्टमर अगर पूरा सूरत घूम लेगा ना तो भी एक जगह पे इतना कलेक्शन, रेट वाइज वो भी रेट वाइज कलेक्शन करता है, रेट वाइज कलेक्शन मुमकिन ही नामुमकिन है 100%। और मैं कस्टमर को एक ही बार बोलता हूँ कि जैसे आपने एक बार मेरे से माल लिया तो बार बार तो सूरत आने से रहा, एक बार रिलेशन बन जाता ना, एक बार रिलेशन हो गया, उनको एक विश्वास हो गया कि नहीं यार बंदा अच्छा है, रेट भी अच्छे, तो कंटिन्यूस मेरा एक लड़का उस स्पेशलिस्ट व्हाट्सएप पे रहता है,
उनका नंबर ऐड हो जाएगा और कंटिन्यू डिजाइन हम लोग बेचते रहेंगे, यानी आने की भी जरूरत नहीं नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप अगर बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है तो एक बार आप मिले, जरूरी नहीं है कि आप परचेज करें, फ्री में आप आइडिया सलाह ले सकते हैं। और हाँ, कोशिश करें कि फर्स्ट टाइम विजिट करें। अगर बाई चांस अगर सूरत आ जाओ ना तो बहुत बेटर बेटर होगा। क्यों? सारा कलेक्शन दिखा दूंगा, सारा उनको कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा, यानी उनको एक ये हो जाएगा आगे का जो रास्ते का आगे रास्ता है वो क्लियर। सबसे पहले क्या होता है बॉस, खाली फिक्सिंग एक ही बार होती है। ट्रस्ट अगर उनका और हमारे दोनों का बैठ गया तो बिजनेस लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। बिजनेस बिल्कुल वैसा है जैसे कि ठंड में कुहे के बराबर, आपको सिर्फ थोड़ी दूरी दिखाई देता है लेकिन जब आप चलते हैं ना तो कुहे जैसे जैसे आप चलते हैं वो आगे का रास्ता दिखाई देता है। बिजनेस सेम वैसा ही है, आपको कभी भी लगे, डाउट लगे, आपको बात करना है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चन करना है, सर का पूरा एड्रेस नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ का मैं हर आइटम का जो एक अलग अलग सेपरेट वीडियो दूँ तो इस वीडियो पे मेरा एम है 5000 लाइक का। 5000 लाइक कीजिए, मैं इसका यहाँ का पार्ट वन पार्ट टू जो वीडियो दे दूंगा कि किस तरह का फैब्रिक है, कैसा यहाँ पे कुर्ती कलेक्शन है, कैसा साड़ी का कलेक्शन है, कैसा बनारसी है, सब कुछ जो है डिटेल में आपको बताऊंगा। तो ठीक है, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई। कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों से भी मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।